अस्सलाम वालेकुम, मैं जरंगीला और मेरे साथ मेरा बड़ा प्यारा भाई दोस्त हामिद रंगीला। आपने नाम सुना है माशाल्लाह। आजकल जो इसकी चीज़ वायरल हो रही है वो एक स्टेज ड्रामा मौला जट है। तो मौला जट फिल्म तो तुसी वेखी है और जी हूँ मौला जट बनी वो भी लोग वेख रहे हैं, मगर ये इन्होंने अचानक जरा सरप्राइज दिता है कि डॉक्टर अजमल साहब जोड़े राइटर डायरेक्टर ने उन्होंने बड़ा प्यारा जना बड़ी खूबसूरती नाल इस फिल्म नू ना जी मौला जट नू स्टेज ड्रामे की शक्ल बनाया है। तो अज अचानक मैनू मिल गए ने असी इकट्ठे एक रिकॉर्डिंग ते सां, तो उत्थे दोवें भरा असी काम कर रहे सी, गपशप कर रहे, बड़ा मज़ा आया। तो हम भाई की हाल ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है उस्ताद जी, तुसीं सुणाओ की सब खैर ने जी? अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मैं ये दसो तुहाडा तालुक जी फैसलाबाद तो। फैसलाबाद तो बड़े वड्डे वड्डे स्टार आए ने जी जी, तुसीं वी आए हो जी जी। लाहौर कदों दे आए हो? लाहौर मैं आया उस्ताद जी 4 दे विच, 2004 2004। अच्छा, ते ठीक हो रहा काम? अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा एहसान है उस्ताद जी, बहुत ठीक जा रहा काम। अच्छा, ते सब तो पहले किन्ने नाल काम कीता लाहौर आ के, केड़े वड्डे आर्टिस्ट नाल? मैं मेरा उस्ताद जी पहला ड्रामा है अलफला दा। अच्छा, सन 2004 दे विच, ड्रामे दा नाम सी हेलो डार्लिंग। अच्छा, उच मैडम नरगस और तमाम स्टार जिहड़े ठाकुर साहब, ठीक है जी, अनवर अली साहब जिहड़े उस वक्त हिट लोग से। अच्छा, ठीक है जी। फिर दूसरा ड्रामा मेरा मस्ताना साहब दे नाल इधर आ गया, महफिल थिएटर, ठीक, सोहनी कुड़ी पागल। अच्छा, ये जिहड़ा तुसीं ड्रामा मौला जट बनिया जी जी, और चूंकि तुसीं एक चैनल ते भी काम कर रहे थी, हाँ जी, उत्थे भी तुसीं मौला जट बड़ा बनदे सी जी जी, और चूंकि तुसीं काम करदे शौक नाल जी जी, फेवरेट तुहाडे आर्टिस्ट किहड़े ने जिन्हां नूं ज्यादा पसंद करदे हो? फेवरेट तो अपने उस्ताद जी ने, वह तो सारिया ने, रंगीला साहब तो अल्लाह बख्शे उन्होंने कौन नहीं पसंद करता। यह जो पिछले शेड जिवें निकलिया सुल्तान अली साहब का, वह ना उस्ताद जी गल हैगी है कि असी रंगीला साहब नूं असी छू के भी नहीं गुजर सकते, मैनू वह मुश्किल लगा। अच्छा, जी सच्ची गल है, मैं कई चैनलों से पहले भी गल की, उस्ताद जी का काम जिहड़ा ना टफ है और बहुत मुश्किल है, उहदे विच तुसीं अगर नहीं कर सकोगे तो लोगों दी नज़रां विच तुसीं रह जाओगे। क्या बात है। एक काम जिहड़ा मैनूं लगा है कि भी इहदे विच राही साहब ने स्क्रीन दे उत्ते गरज वाली आवाज़ रखी, उन्हें गरज वाली आवाज़ दे विच रख के तुसीं जो मर्जी करी जाओगे, चौंक खलोगे, मैं खप पाउणी शुरू कर दिया दुनिया में, लोग इकट्ठे हो जाएंगे लोग, ठीक है। और राही साहब की इस गरज नूं मैं, क्योंकि मैं जदों 7-8 साल का सी, मैं उदों भी यह फिल्म आई है जो मैं 8 साल का होना। अच्छा जी, ठीक है जी। उस बाद 10-12 साल 14 साल का होया, घरदिया ने काम से पाया, मैं उत्थे भी राई साहब के डायलाग बोलता सी। अच्छा, काम से भी? हाँ जी, काम से भी। तो वो गल ये हैगी कि बहुत वड्डा काम है राई साहब का भी, साडे उस्ताद जी का भी बहुत वड्डा काम है, लेकिन मैनू वो बहुत मुश्किल लगा। अच्छा, इसलिए मैं उन्होंने हाथ हाँ कभी कभी उस्ताद जी बेच आप ही आप ही आज हो आप आ जाते, कोई गल नहीं, अदरवाइज बनने की कोशिश नहीं, वो तुसी भी नहीं, तो मैं भी नहीं। बेशक वह फिर मैं उस्ताद जी होया मेरे नाल, कि मैं ना जो बच्चे बुच्चे मेरे इतने लाहौर आ गए ने, तो मैं जो कि उदो स्टार प्लस बड़ा रूज थे, सही स्टार प्लस के ड्रामे तो करते रहे, सिर्फ स्टार प्लस स्टार प्लस, वो आवाज़ आ रही है, टल खड़क रहे ने, ये हो रहे, वो कभी मेरे हथ रिमोट आना है ना, जो तो मैं टैलीविजन लाना तो अगू मौला जट लगी, देखी तो मैं पहलों भी मौला जट लगी, फिर एक दिन देखिया मौला जट लगी, मैं कह यार तो कोई पार्ट बनाइए, वो मैं राई साहब दर्मा टर्मा चैक की, वो मैं पहली दफा नाज थिएटर रोल किया है, अल्लाह बख्शे सहर अब्बास साहब वो डायरेक्टर से, सारे रोल वंडे गए ने, मैं फैसलाबाद आउटडोर कितने ड्रामा कर जुमेरात में मैं पहुंचा, कहते रोल तो वंडे गए ने की करना जी, मैं उस पहले वर्क कर रहा राई साहब से, मैं क्या जी रोल मैं मौला जट, कहते हैं कि रोल है, मैं रोल है उस्ताद जी गंडासा बनवाओ, मैं बनाया सी मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तेनूं मौला नहीं लैना, ठीक है जी। वह साढ़े बड़े सीनियर फनकार ने माई बाप साढ़े भाई ताहर नशाह साहब, ताहर नशाह साहब ने कहा नहीं मौले नूं मौला ना मारे, मौला नहीं मरदा, दे कुछ मौला दे नाम दा, तेनूं मौला ने बड़ा देना है, नहीं तो फिर तेनूं मौला नहीं लैना, इहनूं समझा ला रोशन। अच्छा, वह मैं साजी ये किया पहली बार, वह पब्लिक नूं इवें ना कहना नहीं चाहिए है, अल्लाह माफ करे, असीं तो कुछ भी नहीं है, वह मुछ ला के ना इन्नी टुकड़ी उन्होंने सारी नहीं बनती है, एवं लाइट जहाँ कितने साइड तो लग रही है कितने इधरों, वो पब्लिक ने ना वो टर्ना टुरना बड़िया पसंद कीतिया ने, वो ये जुगत, ये जुगत
ਜੁਗਲ ਕਿਵੇਂ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨਾਲ ਡਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਰਨਾ, ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੌੜਾਇਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ, ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹਿਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਜਾਹਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਸ ਥੀਏਟਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਮੇਡੀ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਨਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੰਭੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਰੋਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ। ਕੁਛ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ 1 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸੁਬਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਪਈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਇੰਝ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 86 ਡਰਾਮਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਆਮਦ ਭਾਈ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਗਲੈਪ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਉਸਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣੇ, ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਕਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਕਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਕੋ ਦੋ ਬੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਕਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਹਮਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਹਮਦ ਭਾਈ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤਰਤਾ ਤਰਤਾ ਤਰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਾ ਸੁੱਤੀ ਆ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ, ਜੱਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਮੌਲੇ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਨਾਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ,
और बड़े बेहतरीन फनकार ने, बड़े बेहतरीन इंसान ने, नूर नादा रोल कर रहे ने। दोनों का सीन आपस में जो है कैसा लगा? पहला सीन जेड़ा उन्होंने नाल मेरा होया ना, पहले सीन दे विच वह गाड़ी मैनू मुलाजम एक जूरा विखाया, वह मैनू वह आवाज मारता गाड़ी नू, यह मेरी सैकेंड एंट्री है। ठीक है, मैं अंदर वड़दा, मैं कहना की खप आई है राजू, ओए की खप आई है राजू, हवेली दे विच तू साडे नालों भी उच्ची बोलना है। वो कहना जी उत्थे गड्ड फस गई है ये वो, तो चार बंदे लैके, तो नूरीनाथ बैठा है पहलों ही, उन्हें कहा उत्थे चार बंदे नाल लैके जाने गड्ड फस गई, तो वो मेरे वाले पार्ट ने कहा कि ओए चार बंदियां दी कड़ी लोड़ है, मैं आप ही कड़ देना, तो नूरीनाथ ने उन्हें रोकिया, कहिंदा ओए तेरी भी जरूरत नहीं है, मैं ते उंगली दा इशारा करा ते गड निकल जावे, गड निकल जावे, ते मैं अगो कहना औका तो वध वजन नू मोढ़ा कदी नहीं देखदा, कहिंदा पांडी लगा है सोणिया, वाह 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 वाह, यादगार सीन, की ना इस बला दा, कहिंदा जान दे यारा ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा, क्या बात, कहिंदा लै वी दिल ते करदा है तेनू मैं अपना दुश्मन मन लवा, पर मैं अज तेरे ते वड्डे बदबख्त वल जा रहा, फिर मिलांगे, कहिंदा फिर मिलिया ते नसण दा बहाना सोच के आया, कहिंदा ओए फिर मिलांगा मैं तेरी औकात भी पुछांगा ते तेरी नसल भी, कहिंदा तेरा वैर ते इक नसलां तक होना ते मैं पोतरे भी मार दिंदा, कहिंदा गुड लक ओए गुड लक, वाह वाह वाह, ये सीन है वाला पहला। ते हीरोइनां जिहड़ियां कुड़ियां काम कर रही हैं ओ बहुत अच्छियां आर्टिस्टां ने, दोवें महक नूर भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ठीक है जी, महक नूर ने बाजी चकोरी वाला रोल कीता, मैं कहिंदा क्या बात है, महफिल थिएटर ड्रामा है लगा मौला जट है जी, ते जरूर देखने जाओ, तुहानू बड़ी देर बाद इंशाल्लाह एक चंगा ड्रामा वेखण नूं मिलेगा। गुड न्यूज एक होर हैगी है कि मैं बहुत जल्द असी महफिल थिएटर दे विच इंशाल्लाह ताला दो रंगीले ड्रामा कर रहे हैं, ओ जो उस्ताद जी भी नाल होणगे सारे, और ओदे तो बाद फिर अगली न्यूज इंशाल्लाह, बिल्कुल जी, अपनी दुआवां याद रखना, और हामद बड़ा अच्छा बादब और बड़ा प्यारा फनकार है, बड़ा प्यारा इंसान है, अल्लाह इज़्ज़त इन सारे फनकारां नूं कामयाब करे, कि महफिल थिएटर ड्रामा देखना ना भुलना, डॉक्टर अजमल साहब और हाँ उस्ताद जी दा तुसी चैनल अजर रंगीले दा चैनल नू सब्सक्राइब करना, और ओदे ते बैल जड़ी है ना उनू, ओए वेरी गुड ना जी, हामिद ने कहे ते बेहतरीन अंदाज च, वड्डियां दी खुशबू जड़ी ना जी ओ आ जांदी है जिस तरह भी आवे, ठीक है, हसदे वसदे रहो, खुश रहो, ते अपना ख्याल रखो, ते अपने इर्द गिर्द जिहड़े लोग ने सरसब्ज ते शादाब ते आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।